ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं आसमान पर कैसे पहुंच गई है जमीन। चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा में पड़ने वाले पंचकुला, पंजाब के मोहाली, जीरकपुर, ढकोली और बल्टान में इमारतें भी आसमान छू रही हैं और जमीन की कीमतें भी। सोसाइटी कल्चर इन शहरों में अब जिंदगी बन चुका है। इस खबर के जरिए आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ रीजन में बदलते वक्त की तस्वीर का जमीनी मंजर और 10-12 साल में ही मिट्टी कैसे हो गई सोने से महंगी। ट्राई सिटी चंडीगढ़ के बदलते स्वरूप का एक रंग ये भी है, ये जीटी रोड का फ्लाईओवर ब्रिज जो चंडीगढ़ से जोड़ता है और ये सारी सोसाइटीज जो नजर आ रही हैं इस फ्लाईओवर के ऊपर से आधुनिक स्वरूप नजर आ रहा है एक चंडीगढ़ का, ट्राई सिटी चंडीगढ़ का, क्योंकि चंडीगढ़ जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है उसका प्रवेश द्वार है ये जीरकपुर और यहाँ पर सोसाइटियों का जो एक रुतबा बढ़ रहा है उससे दाम भी बढ़ रहे हैं। यहाँ जमीनों के कॉलोनाइजरों की चांदी हो रही है और भू माफिया यहाँ पैर अपने पसार रहा है। जीरकपुर और चंडीगढ़ को जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर से शहर की ऐसी तस्वीर देखी जा सकती है जो गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा के टक्कर की है। आसमान से बातें करती इमारतें और शीशे की आलीशान बिल्डिंग शहर के बदले चेहरे का सबूत है, लेकिन इन इमारतों और तस्वीरों को गरीब सिर्फ देख सकते हैं और गरीबी रेखा से ऊपर के लोग यानी मिडिल क्लास तबका इन इमारतों में रहने का सपना भी देख सकता है। किस्मत अच्छी हुई तो शायद रहने का भी मौका मिल जाए और इन इमारतों में खुद का भी एक आशियाना हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मिडिल क्लास के इसी सपने को लेकर MH1 न्यूज की टीम ने हाउसिंग सोसाइटी के लाइफ कल्चर को समझने की कोशिश की। जीरकपुर की इस इमारत में हजारों परिवार रहते हैं और ये लिफ्ट इन परिवारों तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। 6 से 13 मंजिल की इन इमारतों में लिफ्ट के बिना पहुंचना वाकई बेहद मुश्किल है, लिहाजा लिफ्ट का इस्तेमाल मजबूरी भी है और इन इमारतों में सबसे बड़ी सहूलियत भी। अब तक जीरकपुर की इस इमारत के एक फ्लैट में हमारा कैमरा पहुँच चुका है। और अब इस मकान में रहने वाली गृहिणी से जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस सोसाइटी में रहने का उनका अनुभव कैसा है। सुविधाएं हैं तो सही, ज्यादा दिखते कम हैं, लेकिन अपना काम ये जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं प्रॉपर करते नहीं है। जैसे जगह जगह पे आपको गंदगी के ढेर दिखेंगे, डस्टबिन वैसे भरे पड़े हैं तो वो भी ऐसे ही दिखेंगे, और बाकी तो जैसे घर के मामले में लो, जैसे आपको प्लम्बर की जरूरत है तो एक फोन पे प्लम्बर आपके पास हाजिर है, इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है तो इलेक्ट्रीशियन आपके पास है, बस थोड़ा बहुत अगर है तो सफाई को लेके है। सोसाइटी में रहने के फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी। सोसाइटियों में फैलने वाली गंदगी जहां चिंता का विषय बनी हुई है, यहां रहने वाले इस बात से आशंकित है कि कोई महामारी न फैल जाए, वहीं दूसरी सुरक्षा की दृष्टि से ये सोसाइटियां आम लोगों को राहत देती हैं। फ्लैट तो देख लिया, अब कीमतों 10 साल पहले इस इलाके में जमीनों के रेट 1000 से 1500 रुपए गज के हिसाब जो अब 25 से 35 हजार रुपए गज तक पहुंच गए हैं, ऐसे में एक आदमी घर का सपना कैसे देख सकता है ये भी समझ लेते हैं। 10-12 साल पहले रेट 500-600 रुपए गज होते, लेकिन आज की डेट में 40-45 हजार रुपए गज रेट चल रहे। ये बाहर से जो सेटियां आई है सारा चेंज करके दिया है, क्योंकि जो आज से 10-12 साल पहले कोई था, बट आज के टाइम में कोई यहाँ पे बहुत मुश्किल में यहाँ पे ना सोसाइटी काम मिल सकते हैं और रखना बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए।